Hello students, in this video I am going to revise the topics related to gender inequality in school context which we have already dealt with in my previous videos. इस वीडियो में लैंगिक असमानता के बारे में जो जान चुके हैं उसको फिर से रिवाइज करेंगे. जैसे लैंगिक असमानता क्या है, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक में लिंग समानता कैसे ला जा सकता है, स्टेप्स फॉर प्रिवेंटिंग सेक्सुअल एब्यूज इन स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल्स में कैसे सुविधाएं होनी चाहिए जिसके वजह से वे रोज़ स्कूल जा सकें, लिंगी विभेद को स्कूल से दूर करने का उपाय और फैक्टर्स अफेक्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप रोल असाइनमेंट इन स्कूल के बारे में देखेंगे. जेंडर इनइक्वालिटी या लैंगिक अंतराल या असमानता का अर्थ है, यह है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव करना. लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है. समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है. Gender inequality refers to unequal treatment or perceptions of individuals based on their gender. It arises from differences in socially constructed gender roles, and these differences arise from distinctions in biology, psychology, and cultural norms. Now we shall revise what is curriculum. Curriculum is defined as the totality of student experiences that are in the educational process, that occur in the educational process. पाठ्यचर्या का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण. ये दो प्रकार के हो सकते हैं. नंबर वन, फॉर्मल करिकुलम विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाई गवर्नमेंट और एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. एंड नंबर टू, इनफॉर्मल और हिडन करिकुलम, that is chupi hui paathicharya. Hidden curriculum refers to attitudes, values, beliefs and undeclared agendas underlying the learning process. Yah likhit nahi hote hain, vah shaikshik vyavahar manak ya niyam hai jiske tahat schooli tantra evam samaj ke dwara manyata moolya evam suchnaye bachchon ko prabhavit karte hain. प्राइमरी स्कूल से ही लड़के एवं लड़कों को अलग अलग बैठाया जाता है. यह टीचर्स के द्वारा सचेत रूप से लागू की जाती है. तब हायर क्लासेस में जाते जाते स्टूडेंट्स स्वयं इसका अनुकरण करने लगते हैं. लैंगिक भेद पाठ्यचर्या और टेक्स्ट बुक्स दोनों में दिखाई देती है. Here are some illustrations where gender inequality is depicted in school textbooks. Female characters in textbooks of primary education are portrayed mainly as mothers and housewives, while male characters are identified as breadwinners. पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता को लिंगीय प्रतिनिधित्व या पक्षपात इन उदाहरणों से समझाया जा सकता है. जनरली टेक्स्ट बुक्स में महिला को शिक्षिका के रूप में, घरेलू कामगार गृहिणी के रूप में दिखाई जाती है और पुरुषों को उद्योग, सरकारी अधिकारी, व्यापारी, किसान के रूप में दिखाया जाता है. एडिशनली टीचर्स आल्सो ऑफन यूज मटेरियल्स, इमेजेस और एग्जाम्पल्स दैट रीइन्फोर्स स्टीरियोटाइप्ड रोल्स. Now the need of the hour is gender equal curriculum. A gender equal curriculum shows the diversity of society when increasing examples that highlight successful female characters in texts as well as in the examples used during classes. Instructional materials including textbooks, handouts or workbooks should be studied to determine whether they are gender biased, gender neutral or gender sensitive and responsive. Now let us revise some measures to remove gender inequality in curriculum and textbooks.
The educational system should revise its curriculum, emphasize attitudes and values that promote general equality. Learning materials should be gender sensitive, and textbooks should attempt to show boys or men sharing household chores, child rearing and caring practices. लिंगी पक्षपात को कम करने के लिए पाठ्यक्रम में वहाँ संशोधन करने की आवश्यकता है जहाँ महिलाओं को चित्रण केवल अच्छी गृहिणियों की तरह किया गया है। कक्षा में कार्यों का बंटवारा लड़के एवं लड़कियों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थियों को ग्रुप वर्क दिया जाए तथा लड़के एवं लड़कियों को ग्रुप में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। कक्षा में कार्यों का बंटवारा गर्ल्स और बॉयज़ के बीच समान रूप से होना चाहिए। द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज सेक्शुअल अब्यूज़ इन स्कूल्स। सेक्शुअल अब्यूज़ इज इंटेंशनल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ फोर्स, थ्रेट्स, इंटिमिडेशन, abuse of authority or when the victim does not or cannot consent. बच्चों के private parts को छूना, कपड़े उतरवाना, बच्चों को अश्लील साहित्य दिखाना, ये सब sexual abuse माना जाता है. The physical indicators of sexual abuse are itching or pain in the genital area, vaginal discharge, infection, anal bleeding and pregnancy. The behavioral indicators are eating disorders, fear of someone, self-harm or suicide attempts, changes in attitude, becomes aggressive. Sexual abuse या यौन शोषण victims या उत्पीड़ित बच्चों को अक्सर अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत तकलीफ होती है। वे स्वयं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे प्राइवेट पार्ट्स में पेन, प्रेगनेंसी आदि। स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम एट स्कूल। द टीचर्स हैव अ स्पेशल अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व और कम्बैट द sexual abuse as they have the knowledge, training and opportunity to observe and respond to students' behavior and physical conditions over a period of time. शिक्षक रोज विद्यार्थियों को मिलते हैं और उनके problems को identify करके सहायता और protection दे सकते हैं। Some of the ways by which sexual abuse in schools can be prevented are by training teachers in handling such situations, by enforcing policy for reporting such cases, by establishing protocols for using computers, by providing safe environment in school, by making certain that visitors are screened, by collaborating with parents for student safety and security while going to and from school. स्कूल में सेक्सुअल अब्यूज़ रोकने के लिए बच्चों को उचित आयु के हिसाब से सेक्सुअल एजुकेशन आवश्यक है। शारीरिक संपर्क की सीमाएं निर्धारित करें। अजनबियों पर नज़र रखना चाहिए, खासकर बच्चों के साथ बातचीत करने वाले जैसे स्कूल के मेल टीचर्स, प्यून, ट्रॉफी या बुक्स विक्रेता, स्कूल बस का कंडक्टर आदि। Now we will revise about inadequate gender sensitive facilities for a girl in school. No proper washrooms and drinking water facilities, lack of waste disposal mechanisms, inadequate sanitation facilities, all these reasons add to the difficulties faced by girls in schools, which in turn affect their access and participation in schools. So these are some of the major facilities which are inadequate for the girls in schools these days. इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि लड़कियों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए।
उनके स्कूल की एक्सेस हो और वे स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, जैसे गवर्नमेंट के तरफ से पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मॉनिटरिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स। स्कूल पहुंचने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट करना है, गर्ल्स के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है और टीचर्स को वैल्यूज बिल्ड करना चाहिए और जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। नाउ लेट अस सी हाउ दीज बेसिक फैसिलिटीज हैव टू बी प्रोवाइडेड इन स्कूल्स। नंबर वन, एक्सेस टू सेफ वाटर इन स्कूल्स। बच्चों को पीने के पानी की सुविधा सबसे अधिक आवश्यक है। इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड दैट वाटर इज प्लेस्ड इन की एरियाज फॉर यूज बाई बॉयज एंड गर्ल्स। एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन एंड हाइजीन इन स्कूल्स। लड़के और लड़कियों को अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों के लिए इमरजेंसी में सैनिटरी पैड्स स्कूल में रखा जाना चाहिए। थर्ड मेजर इज टू एनहांस एक्सेस टू नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड डिसीशन मेकिंग। पाठ्यचर्या में मेंस्ट्रुअल हाइजीन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंक्लूड किया जाना चाहिए, बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। डिसीशन मेकिंग में फीमेल टीचर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए जिनको गर्ल्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मालूम हो, ताकि इफ़ेक्टिव डिसीशंस लेने में मदद कर सकें। लोकल कम्युनिटी लीडर्स और लोगों के साथ स्कूल हेल्थ क्लब्स एंड स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट करना चाहिए और एग्जिस्टिंग सोशल एंड कल्चरल टैबूस ऑन जेंडर इनइक्वालिटी को दूर करना चाहिए। द फोर्थ मेजर इज़ टू इम्प्रूव द स्कूल एनवायरनमेंट। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हुए स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर सप्लाई, वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटेशन, हाइजीन एस्पेक्ट्स क्रिएट करना चाहिए। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इनिशिएटिव्स जैसे सैनिटेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स में पार्टनरशिप रहना चाहिए। In this slide, we will revise about the measures to prevent gender bias in school. As we know, gender bias means preference towards one gender over the other. Gender bias का अर्थ है लिंगी विभेद, जब बालक तथा बालिकाओं में विभेद उनके लिंग को लेकर किया जाता है, उसे gender bias बोलते हैं। In many parts of the world, girls are most often the victims of gender discrimination or gender bias. Even teachers may be ignoring their unconscious gender biases towards their students. In general, girls are praised for the neatness of their work, while boys are more likely to receive appreciation for logic and ability. This may be the reason for less number of girls opting technology, engineering, and mathematics when compared to boys. इस तरह के gender bias के कारण महिलाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। But we can change this by making the school a bias-free zone by creating an open school environment wherein students can choose what they like for growth, confidence and self-esteem. Therefore, the following suggestions can be adopted to avoid gender bias in schools. कक्षा में समावेशी भाषा का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। कक्षा में अगर ग्रुप्स बनाना हो तो लिंग के आधार पर ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए। क्लासरूम रूल्स
बॉयज़ और गर्ल्स के लिए समान होना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस एंड एक्सेप्टेंस को सिखाना चाहिए। टीचर्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण है जेंडर बायस को समाप्त करने में, क्योंकि वे हर रोज़ बच्चों से इंटरैक्ट करते हैं और उनके सोच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस स्लाइड में जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्टीरियोटाइप को रिवाइज करेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ द बिलीफ दैट पीपल हैव अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। जेंडर स्टीरियोटाइप का अर्थ है रूढ़िवादी मान्यताएं या आम धारणा। इस रूढ़िवादी धारणाएं या मान्यताएं सत्य पर आधारित नहीं होती हैं। Now let us revise the factors which lead to this gender stereotype in school. First factor is the stereotyped expectations. In general, boys ko jyada competent ya saksham, ambitious, assertive or competitive mani yani prati pardhi samjha jata hai. और गर्ल्स को केयरिंग, इमोशनल, सपोर्टिव समझा जाते हैं। इसी गुण के आधार पर टीचर स्कूल में गर्ल्स को नोटिस बोर्ड सजाना और जैसे काम देते हैं और बॉयज़ को लीडरशिप रोल्स दिया जाता है। सेकेंड फैक्टर इज पेरेंटल इन्फ्लुएंस। बचपन से माँ बाप बच्चों पे अपना प्रेफरेंसेस को प्रभावित करते हैं। जैसे गर्ल्स को खेलने के लिए किचन सेट या बार्बी डॉल जैसे खिलौने दे देते हैं और बॉयज़ को गाड़ी या बॉल बैट जैसे टॉयज दे देते हैं। दीज प्रेफरेंसेस इन्फ्लुएंस द थॉट प्रोसेसेस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड यह एक वजह है, हो सकता है कि स्कूल में भी गर्ल्स स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। Now, if we focus on the practices in the school, like gender-specific school uniform, right from primary classes, show the gender stereotype. Classroom में teacher की language भी gender stereotype को reflect करती है। अगर class में कोई बच्चा रो रहा हो तो तुरंत don't cry like a girl कहते हैं। Gender stereotypes are sometimes hidden in school routines and practices. Boys and girls are asked to line up separately during assembly and class may be boys and girls are made to sit separately. Other factors influencing gender stereotype include curriculum and textbooks which we have already discussed. Thank you.